गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में मैं एक विटामिन सी सीरम के बारे में आपको बताने वाली हूँ। कुछ दिनों से इसको यूज़ कर रही हूँ, कैसे रिजल्ट्स मिले और आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं, क्या बेनिफिट्स हैं, साइड इफेक्ट्स, सब कुछ आज के वीडियो में बात करेंगे। जो सीरम है वो है अराता विटामिन सी सीरम और इनके सारे प्रोडक्ट्स वीगन हैं, केमिकल टॉक्सिन फ्री हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है किसी भी प्रोडक्ट की। और विटामिन सी सीरम की बात करूँ तो विटामिन सी जो होता है वो बॉडी में जो भी डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर बहुत जल्दी रिपेयर करने का काम करता है। इसीलिए आप फ्रूट्स वगैरह भी ऐसे डेली आपको ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए जिनमें विटामिन सी हो। और विटामिन सी सीरम भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आपकी स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन है, फाइन लाइन रिंकल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उस पर ये बहुत अच्छे से काम करता है। और भी जो भी आपके स्किन पर डैमेज है उनको इंस्टेंट रिपेयर करना चाहते हैं तो विटामिन सी सीरम अपनी स्किन केयर रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो ये जो अराता का विटामिन सी सीरम है इसमें 20% विटामिन सी यूज़ किया गया है, 0.5% हाइलोरोनिक एसिड यूज़ किया गया है, इसके साथ ही विटामिन ई यूज़ किया गया है। ऐसे फ्रूट्स वगैरह और ऐसे एक्सट्रैक्ट यूज़ किए गए हैं जिनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अच्छे अच्छे एंटी ऑक्सीडेंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं जो कि मैं आगे आपको इन्ग्रीडियंट्स की लिस्ट तब आपको पता चल जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्लेम करता है कि आपके कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, सॉफ्ट बनाएगा, इवन स्किन टोन प्रोवाइड करेगा। रिंकल्स का प्रॉब्लम है, फाइन लाइंस का प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम है, उस पर ये बहुत अच्छे से काम करेगा। इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो 30 ml का इनका पैक आता है और पूरा डिटेल दिया हुआ है, कोई भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह हाइड नहीं किए गए हैं, सब कुछ प्रॉपर बताया गया है। प्राइस की बात करूँ तो 699 rupees है और आप इसको परचेज करेंगे ऑनलाइन तो आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। और अब इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैं एक्वा एस्कॉर्बिक एसिड, वेजिटेबल ग्लिसरीन और थिकनर के लिए इन्होंने जैंथम गम यूज़ किया है, इसके साथ ही एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है, विच हेजल यूज़ किया है, ऑर्गेनिक ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ब्लैक टी एक्सट्रैक्ट है, वीट जर्म ऑयल यूज़ किया गया है, हाइलोरोनिक एसिड है और प्रिजर्वेटिव के लिए इन्होंने पोटेशियम सॉल्वेट और सोडियम बेंजोएट यूज़ किया गया है जो कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव हैं, साथ ही कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी इसमें यूज़ किए गए हैं। तो ये जो सीरम है एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है। इसमें 20% विटामिन सी यूज़ किया गया है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किए गए हैं, विटामिन ई है और बहुत ज़्यादा रिच सोर्स होता है काकाडू प्लम विटामिन सी का, उसको यूज़ किया गया है जो कि एजिंग की प्रॉब्लम को दूर करेगा। रिंकल्स होते हैं, फाइन लाइंस होते हैं जिनसे बहुत जल्दी बुढ़ापा नज़र आता है, उनको डिक्रीज करने का ये काम करता है। कोलेजन को बूस्ट करता है और ऐसे चीज़ें यूज़ की गई हैं जो कोलेजन को बूस्ट करने में हेल्प करती हैं और सन एक्सपोजर से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सनस्क्रीन नहीं लगाना है, वो तो लगाना ही है, पर जो भी डैमेज हो जाते हैं सन एक्सपोजर से उनको ये रिपेयर करेगा। और कोलेजन एक एज के साथ साथ कम होने लगता है तो उसको ये बूस्ट करने का काम करता है। पिगमेंटेशन को ये दूर करेगा। तो इसमें जो फेरुलिक एसिड यूज़ किया गया है, एस्कॉर्बिक एसिड यूज़ किया गया है, विटामिन ई यूज़ किया गया है, एक पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। और फेरुलिक एसिड जो है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को बहुत अच्छे से रिड्यूस करते हैं। डीपली स्किन को हाइड्रेट करेगा क्योंकि इसमें हाइलोरोनिक एसिड यूज़ किया गया है, विटामिन ई भी यूज़ किया गया है जो कि बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है जो कि स्किन को प्लम्प बनाएगा, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा और ग्लो प्रोवाइड करेगा। तो अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। तो बॉयज़ गर्ल्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। और आपको क्लेंजिंग करना है
टोनिंग करना है, इसके बाद ये सीरम अप्लाई करना है, इसके बाद आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। दिन में आप यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाइए, और दिन में यूज़ नहीं भी करते हैं तब भी आप सनस्क्रीन लगाइए ही लगाइए। मैं रात को ही यूज़ करना पसंद करती हूँ, ओवर नाइट इसको लगा के रखती हूँ। मैं कुछ इस तरह से यूज़ करती हूँ, और उसके ऊपर कोई भी अच्छा सा आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। ऐसी बिल्कुल वाटर की तरह है, आपको पता नहीं चलेगा स्किन पर आप कुछ लगा रहे हो। बहुत अच्छे से डीपली पेनिट्रेट होता है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, बहुत जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। बहुत सारे सीरम्स ऐसे भी होते हैं जिनको लगाने के बाद चिपचिप होती है, स्टिकी होते हैं, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। कोई कलर वगैरह इसमें यूज़ नहीं किया गया है। साथ ही अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ, जैसे सिट्रिक फ्रूट्स की होती है, लेमन की, ऑरेंज की जैसे फ्रेग्रेंस होती है, वैसी ही इसकी फ्रेग्रेंस है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। आप इसको लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। दो तीन ड्रॉप ही लगाएंगे वो सफिशियंट रहेगी। सिर्फ फेस पे ही नहीं, आप अपने नेक पे भी अप्लाई ज़रूर करना इस सीरम को। और जब आप इस सीरम को रेगुलर 20 डेज तक कम से कम यूज़ करेंगे, तब आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि इस सीरम से पिगमेंटेशन दूर हो, डार्क स्पॉट्स दूर हो, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना रहेगा। ऐसा नहीं है कि 1 वीक में ही आपके दाग धब्बे दूर हो जाएं, नहीं, 1 वीक में सिर्फ आपकी स्किन थोड़ी ग्लोइंग होगी, थोड़ी सी आपको मतलब चेंजेस नज़र आएंगे कि थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है, ग्लोइंग हुई है। पर अगर आप अपने दाग धब्बे कम करना चाहते हो, पिगमेंटेशन जैसी चीज़ें रिड्यूस करना चाहते हो, तो उसको लंबे टाइम तक यूज़ करना पड़ेगा, तभी इसके रिजल्ट्स मिल पाएंगे। वैसे तो सारे स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, और ड्राई स्किन वाले यूज़ करते हैं तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करो इसके साथ। और एक्ने प्रोन स्किन है अगर आपकी, और एक्टिव एक्ने हैं, अगर एक्टिव एक्ने हैं तो बिल्कुल इसको यूज़ नहीं करें। पहले आप अपने पिम्पल्स एक्ने को ठीक कर लो, फिर पिगमेंटेशन और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, स्किन को ग्लोइंग करना वो करना। तो एक्टिव पिंपल के केस में मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इस सीरम को यूज़ करना चाहिए, बाकी आप कोई भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप कोई वीगन, केमिकल फ्री, टॉक्सिन फ्री, डाई फ्री सीरम चाहते हो यूज़ करना, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हो। और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देता है, और बिल्कुल आपको, अगर आप 30+ हैं तो बिल्कुल आपको विटामिन सी सीरम यूज़ करना ही चाहिए, और नहीं करते हो तो करना स्टार्ट कर दो। और आप इसके रिव्यूज़ भी ऑनलाइन देख सकते हो, काफ़ी अच्छे हैं, और मुझे भी काफ़ी पसंद आया। बिल्कुल एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना। परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।